हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, हरियाणा अपडेट में आपका स्वागत है। आज देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का नतीजा जो कि वोटों की काउंटिंग, इलेक्शन की जो काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जो यहां पे बनाया गया था, आरएस वाटिका कनीना, यहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लड्डू बांट कर खुशी जताई जा रही है और इनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के जो प्रत्याशी है चौधरी धर्मवीर सिंह वो विजयी हो चुके हैं। लड्डू बांट कर जो खुशी मनाई जा रही है। जी क्या कहना हम ये कहना चाहेंगे, आज देश के अंदर राष्ट्र निर्माण के लिए हमने नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया है। देश के सही फैसले, उचित कदम और सही सोच समझ के सब वर्गों को सोच करके, सभी वर्गों की सोच करके चलने वाले नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया है। इस खुशी में लड्डू बांट कर आपको क्या लगता है? कम से कम 2 लाख वोटों से ऊपर जीतेंगे धर्मवीर जी और जिंदाबाद जी आपको। हाँ जी बिल्कुल, हमारी सरकार आएगी, अच्छे काम करती है और आगे भी आने चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शोर है जी। हाँ जी, 2 नहीं 4 लेट उठाएंगे, 5 बिल्कुल बिल्कुल शोर है। हाँ जी बिल्कुल शोर है धर्मवीर जी। क्या लगता है कितनी सीटें हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी निकाल पाए? 10 की 10 सीटें। बीजेपी अकेली हरियाणा में 10 की 10 ले रही है और ओवर इंडिया में 300+ बीजेपी अकेली ले रही है। जैसे एग्जिट पोल है अभी फिलहाल काउंटिंग चल रही है, लग तो नहीं रहा कि 10 की 10 आ रही है। 10 की 10 अभी बीजेपी आगे चल रही है, एक सीट पर है थोड़ा सा, वहाँ भी हम आगे बढ़त बढ़ा रहे हैं। अब बीजेपी जीत रही है, बीजेपी अभी फाइनल रिजल्ट तो नहीं आया, फिर भी पता है बीजेपी होगी। बीजेपी मोदी जी ने काम किया बढ़िया किए, बीजेपी की जिंदाबाद। मोदी जी फिर से आज हम मोदी जी को देखकर इतना खुश है कि हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं। हाँ जी धर्मवीर जी की जय, मोदी जी की जय। मोदी अभी तो फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, काउंटिंग जारी है, फिर भी आपने लड्डू बांट दिए, ऐसा क्यों? हाँ जी जीत निश्चित है, मोदी जी की दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी क्या जानते हैं कितने वोटों से आपका जो सांसद है यहाँ से भिवानी महेंद्रगढ़ से कितने वोटों से जीत? कम से कम 2.5 लाख से जीत। आपको हमारे सांसद रमजीत चौधरी जी आगे हैं और फिर से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में फुल बहुमत की सरकार बनेगी और 300+ सीटें लेकर देश के लिए कार्य किए जाएंगे। ऐसा क्यों लगता है जो टाइम से पहले ही आपने लड्डू बांट दिया, आप किसी का इजहार कर रहे हैं, लगता है आपको कि जीत पाएगा? अगर नहीं जीतता है तो बिल्कुल जीतेगा, सभी का वोट जो भी है देश हित के लिए गिरा है और देश हित के लिए मोदी जी ने बहुत कार्य किए हैं और आगे भी जनता चाहती है कि देश हित के लिए ही कार्य किए जाएं और वोट किए जाएं। सर आपको क्या लगता है, क्या काउंटिंग जारी है उससे पहले ही आपने लड्डू बांट दिए, क्या सीट निकल पाएगी आपकी? 2 लाख 2 लाख 2 लाख से विश्वास है निकलेगी और नहीं निकल तो आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ लड्डू बांट कर खुशी मनाई जा रही है, जताई जा रही है। इनको लगता है कि जो यहाँ के कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के महेंद्रगढ़ और महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के जो इनके प्रत्याशी हैं वो यहाँ से जीत चुके हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन वो तो जब फाइनल नतीजे आ जाएंगे तभी पता चलेगा। हर खबर जब